हेलो एवरीबॉडी, आज हम सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हमने 6 लेक्चर्स में डिवाइड किया है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसे हम अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट से रिलेटेड। सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी फिनोमेनन की, किसी बॉडी या सब्सटेंस की, जिसको कि हम क्वांटिफाइड कर सकें मेजरमेंट के द्वारा। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज पर बेस्ड होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम। और ये जो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वेरी फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे मास और लेंथ में कोई रिलेशन होता है क्या? मैं कहूँ कि 1 kg को मीटर में चेंज करो तो एक स्टूपिड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो मास और लेंथ दोनों क्या कहलाएंगी, आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? फंडामेंटल मतलब कि जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करे। ओके, देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितनी है? 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी? फर्स्ट मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ब्रैकेट में इनके यूनिट्स लिखी हैं जिनको कि डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे अपन। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवन्थ है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ को क्या टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या टाइम को लेंथ में कर सकते हैं? नहीं। तो मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए क्या कहलाती है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? फाइन, ओके। सेकेंड टाइप होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। एक तो सिंपली जो अपन एंगल बोलते हैं, प्रॉपर नेम होता है उसका प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। रेडियन को डिफाइन करना चाहें यदि हम, कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल पर जो एंगल सबस्टेंड किया है किसने, एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। एक आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, तो वो जितना एंगल सर्कल के सेंटर पर सबस्टेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। शॉर्ट में RAD रिप्रेजेंट करते हैं। 2π रेडियन, एक पूरा साइकिल 360 डिग्री के इक्वल होता है ना? तो 1 रेडियन किसके इक्वलेंट हो जाता है, 360 / 2π के। इसको हम डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करें, जिनको पता अच्छी बात है। नहीं पता, 1 जो डैश लगाया हुआ है ऊपर, ये मिनट का सिंबल है, डबल डैश है, ये सेकंड का सिंबल है। तो 1 रेडियन में 57 डिग्री, 17 मिनट, और कितने डिग्री होते हैं भाई, 45। 57 डिग्री, 17 मिनट, 45 सेकंड, डबल डैश का मतलब सेकंड। क्लियर है? स्टेर रेडियन का डेफिनेशन देखें अपन। अभी हमने देखा था प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल प्लेन, जैसे आपके स्क्रीन पर या पेपर पर। अभी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे एक सॉलिड स्फीयर। तो इसका एक सेगमेंट ले लें, एक सरफेस ले लें। ये सरफेस सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड करता है, सरफेस का एरिया कितना चाहिए इसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो मान लो इसकी रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर के बराबर एक एरिया ले लेंगे। एक वो एरिया सेंटर पर जितना भी एंगल सब्सटेंड करेगा उसे क्या कहते हैं, स्टे रेडियन। क्या कहते हैं? स्टे रेडियन। मान लो ये डेल्टा एस है, थोड़ी देर के लिए ओम जैसा सिंबल होता है सॉलिड एंगल का, तो इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा एस और आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। यहाँ पर रेडियस
किसका, इस स्फेयर का। नेक्स्ट प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट कौन सी थी, फंडामेंटल, सेकंड क्या थी, सप्लीमेंट्री। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि नाम है, जिनको कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से उनके कॉम्बिनेशन से बनाया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, उन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल कितने थी, 7, मास, लेंथ, टाइम जैसी, है ना। जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस लेंथ से मेजर होती है, टाइम, तो लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल है ना, इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी मदद से स्पीड को बनाया, तो स्पीड क्या कहलाएगी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। एरिया, साइड स्क्वायर, साइड का मेजरमेंट लेंथ से करेंगे, तो देखिए लेंथ के कॉम्बिनेशन से बनाया आप, तो एरिया क्या कहलाएगा, फंडामेंटल कहलाएगा, नहीं, इससे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, जैसे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, साइड का मेजरमेंट लेंथ से, मास इज ए फंडामेंटल, लेंथ इज ए फंडामेंटल, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनाए डेंसिटी। तो बात समझ में आ रही है कि डेंसिटी क्या कहलाएगी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। ओके, अब आपके लिए एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लासिफाई द क्वांटिटीज, अब क्वांटिटीज के नाम ही है, डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, वर्क, है ना। इनको आपको बांटना है, पहला है बेस क्वांटिटी हो, बेस मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल को बेस भी कहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ स्केलर हो, है ना। स्केलर वेक्टर का पूरा चैप्टर आएगा, है ना, मोशन इन ए प्लेन के अंदर फिलहाल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बी है, आपको इसमें से छांटना है कौन सी है जो बेस हो, यानी कि फंडामेंटल और वेक्टर हो। तीसरी तरह की है डेराइव्ड, और डेराइव्ड होनी चाहिए, तीसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटी देखी हमने, और स्केलर हो, और चौथे डेराइव्ड और वेक्टर हो। तो देखिए बेस क्वांटिटी कौन सी है, मास है, और ये स्केलर भी होती है, और टाइम भी, टाइम भी क्या होता है आपका, फंडामेंटल है और स्केलर है, तो मास और टाइम, है ना, ये तो हो गई हमारी बेस और स्केलर क्वांटिटी। अब बेस और वेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट देखिए लेंथ से मेजर होती है ना, तो ये तो फंडामेंटल है आपकी, और साथ ही साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेस और वेक्टर कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरी हमें चाहिए ड्राइव्ड होनी चाहिए और स्केलर, है ना, तो देखिए स्पीड एक स्केलर है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, ऐसे ही प्रेशर है आपका और वर्क है, ये तीनों स्केलर है लेकिन फंडामेंटल तो नहीं है ना, इसलिए ड्राइव्ड और स्केलर बोलेंगे। क्लियर है। फोर, ड्राइव्ड और वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन देखिए फंडामेंटल नहीं है, तो ये डेराइव्ड कहलाएगा, लेकिन डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है इसमें, तो ये वेक्टर हो गया, ऐसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब हम चलते हैं यूनिट पर। इस लेक्चर के अंदर दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया लिया हमने कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अब यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइन, यूनिट क्या होता है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। एक रेफरेंस ले लेते हैं जिसकी मदद से हम किसी चीज को नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकते हैं। अपन रफली बात करें, देखिए पहले के ऐसे एक ये कहते थे एक ब्लांड नाप लिया, है ना, आपने कई बार सुना होगा, एक सूत, कोई भी तरीका एक माप लिया, एक छड़ ले ली, स्टिक ले लिया आपने किसी भी लेंथ की, उसकी मदद से किसी डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड ले लिया, वो यूनिट कहलाती है ना नापने का। आपने चम्मच से और किसी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड का मेजर कर रहे हैं, तो चम्मच का जो वॉल्यूम है वो उसका यूनिट हो गया पर्टिकुलर। समझ में आ रही है बात। ओके, आपने वैसे कोई स्टोन ले लिया, छोड़िए केजी मीटर को, वो बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, समझ में आ रही बात। एक पत्थर ले लिया, उसकी मदद से बहुत सारा अनाज है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पत्थर का विच ओवर द वेट वो यूनिट हो गया उसका मेजरमेंट, है ना। तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो क्या कहलाती है, यूनिट, है ना। अब मैंने कहा पत्थर से नापेंगे, स्पून से नापेंगे, तो ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, दुनिया में सब लोग हजारों तरीके से, इन्फिनिट तरीके से नापेंगे, तो कैसे आपस में कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे चीज़ें, तो इसलिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट एस्टेब्लिश की, वो डिसाइड करती है यूनिट्स बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा, राइट, जिसको CGPM कहते हैं।
सबसे पहले इन 1971 सीजीपीएम डिसाइड ए सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको कि हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI, ये नाम आप बार बार फिजिक्स में सुनेंगे, राइट। इंडिया में इसका अपना है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट को मेंटेन करती है, फाइन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब जो बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी थी, 7 थी। मास, इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम, शॉर्ट में केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी दी लेंथ, SI यूनिट क्या होती है, मीटर, सिंबल क्या होता है इसका, मीटर। एम, टाइम की SI यूनिट सेकेंड, सिंबल क्या होता है, स्मॉल एस। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, रफली हम जनरली टेम्परेचर बोलते हैं लेकिन इसका प्रॉपर नेम होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। SI यूनिट होती है केल्विन, बिफोर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होता है मोल, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, CD से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। अच्छा, आपकी NCERT की बुक को रेफर कीजिएगा, इन 7 फिजिकल क्वांटिटी की अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो CGPM ने डिसाइड किया है, उस कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया है, तो आप उन डेफिनेशन को जरूर से एक बार रेफर कीजिएगा। वैसे आपको लिखने के लिए नहीं आता, फिर भी आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, फाइन। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जैसे प्लेन एंगल है उसका क्या था, रेडियन, RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल स्टेट रेडियन, उसको S और R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी, क्लियर, ओके। SI प्रीफिक्स, ये न्यूमेरिकल में हमारे काम में आएगा। CGPM ने रिकमेंड किया है स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। स्मॉल ए एटो के लिए है, इसका मतलब होता है कहीं 10^-18 आ रहा है तो आप उसको एटो कहेंगे, है ना, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। 10^-15 है तो फेमटो एफ, 10^-12 है आपका तो पिको कहते हैं पी, राइट, ओके। अब नॉलेज के लिए, एग्जांपल के लिए, 1 फॉर्मी मीटर कह देते हैं, कई बार फेमटो मीटर कह देते हैं, 10^-15 मीटर, एम का मतलब क्या है, मीटर, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एग्जांपल, ये मल्टीप्लायर जो आ रहा है 10^-12, ये पिको है, 1 पिको फेरेड, एफ एक फेरेड यूनिट है, 12th में आएगा ये आपका, तो पी का मतलब यहाँ पिको है, 10^-12 हो गया, फेरेड की जगह फेरेड है। नैनो, 10^-9, इसी तरीके से, माइक्रो, 10^-6, मिली, 10^-3, 1 मिली एम्पियर, 10^-3 एम्पियर हो गया ऐसे। स्मॉल सी सेंटी, 10^-2, 1 सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर होता है ना, तो 10^-2 की जगह सी लगा दिया है, ये सिंबल किसके लिए, सेंटी के लिए, क्लियर। 10^-1 डेसी, इसी तरीके से 10^-1 डेका 1 डेका पास्कल, तो 10 पास्कल हो गया, है ना, और सॉरी इसको पी को पॉइज कहते हैं बेसिकली, है ना, पी ए कहीं आएगा पास्कल, ये आगे हम बात करेंगे इस पर, फाइन। हेक्टो, 10 स्क्वायर कहीं आ रहा है तो हेक्टो कहते हैं, है ना। किलो आ रहा है, 10^3 कहते हैं, 1 किलोमीटर, 10^3 मीटर। मेगा, कैपिटल एम, 10^6, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कई बार गड़बड़ कर देते हैं, कैपिटल एम 10^6 है और म्यू सिंबल दिया गया है माइक्रो 10^-6 के लिए, ये दोनों काफी काम में आते हैं इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। गीगा, 10^9, टेरा, 10^12, पेटा, 10^15 और एक्सा, 10^18। 1 मेगावाट, 10^6 वाट आ जाएगा, वाट क्या था, पावर का यूनिट होता है, क्लियर है। तो ये प्रफिक्स काम में आते हैं, ये जो पावर से मल्टीप्लाइड से इनकी जगह लिख दिया जाता है, फाइन। प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, हमने एक SI सिस्टम की बात की थी, बेसिकली वो MKS सिस्टम का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। पहले केवल MKS 3 ही फिजिकल क्वांटिटी की बात होती थी, है ना, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम, जॉर्जी सिस्टम भी कहते हैं। इसी में बाकी 4 ऐड करके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई और वो SI सिस्टम बना दिया गया, राइट। तो फर्स्ट है MKS सिस्टम जिसको जॉर्जी सिस्टम भी कहते हैं, सेकंड CGS सिस्टम जिसे गॉसियन सिस्टम कहते हैं, और तीसरे तरीके का होता है FPS सिस्टम जिसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है।
तो इनमें अपन बात कर लें, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है, एसआई या एमकेएस, जैसे हमने कहा एमकेएस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म एसआई सिस्टम कहलाता है, तो किलोग्राम हो गया। ओके, लेंथ का मीटर हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, सीजीएस सिस्टम, राइट, मास का ग्राम है, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड है, एफपीएस सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, मास का पाउंड, लेंथ का फुट और टाइम का सेकेंड। एक चीज ध्यान देने वाली है, कोई भी सिस्टम हो, टाइम का सबका यूनिट कितना है, सेकेंड है, क्लियर है। अब कुछ एसआई यूनिट्स के लिए रूल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा काम में आएगी। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी यूनिट को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर हो, केवल उसका जो सिंबल होता है उसी को कैपिटल लेटर के इनिशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा से, दोनों बातों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिए, चाहे साइंटिस्ट के नाम पर आ रही है यूनिट, तो उस यूनिट को कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, केवल उसके सिंबल को लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाए। जैसे फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज, नेम ऑफ द साइंटिस्ट उनके नाम पर है, तो देखिए इसको कैपिटल HERTZ ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसको स्मॉल HERTZ ही लिखा जाता है। हाँ, इसका जो सिंबल है उसको कैपिटल लेटर में, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं HZ, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कैपिटल NEWTN, न्यूटन, लेकिन जब सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लेकिन कैपिटल JOUL ही लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, सिंबल लिखना है तो कैपिटल J, इसको स्मॉल J से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। लाइकवाइज वॉट, जेम्स वॉट के नाम पर है, W कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, क्लियर है। साइंटिस्ट के नाम पर नहीं आ रही है तो सभी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इवन उनके सिंबल को भी स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेडियन कोई नेम ऑफ द साइंटिस्ट नहीं है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगा, सेकेंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट नहीं है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगा, क्लियर हो गई है वाली बात, राइट। दूसरी बात, सिंबल किसी भी यूनिट का हो, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं आता है, कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, 25 सेंटीमीटर्स बोल रहे हैं आप, कोई फिजिकल क्वांटिटी को नापा आपने, उसको ऐसा नहीं लिखेंगे 25 cms और ये डॉट, ऐसा कुछ, ये इनकरेक्ट है, सिंपल 25 cm लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर्स ऐसा नहीं लिखेंगे, क्लियर है, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इंपॉर्टेंट बात है, स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहे हैं। नॉट मोर देन वन सोलिड इज यूज फॉर इंडिकेटिंग द डिवीजन, डिवीजन को एक से ज्यादा में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन है, राइट, आप इसको लिख रहे हो वेलोसिटी स्पीड, है ना, वेलोसिटी ओवर टाइम या स्पीड ओवर टाइम, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एस, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको स्क्वायर करके लिखेंगे, है ना। स्पेसिफिक हीट की यूनिट बाद में देखेंगे आप, जूल पर मोल केल्विन ऐसा आता है, तो उसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज अ करेक्ट फॉर्म, क्लियर। ये कुछ रूल्स हैं सही सिस्टम के। फिर प्रीफिक्स आर रिटन वेरी क्लोज टू द सिंबल ऑफ द यूनिट, पास पास में लिखते हैं, एग्जाम्पल ले लें इस बात का समझाने के लिए, राइट, जो प्रीफिक्स है यूनिट के बिल्कुल पास में लिखेंगे, सेंटीमीटर, तो ये सी को बिल्कुल अड़ा के लिखेंगे पास में मीटर के साथ, नैनो सेकेंड, इसमें गैप नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे एन और एस में, नैनो एन एस, मिली वोल्ट एम और वी पास पास में, म्यू, बिल्कुल क्लोज लिखना है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, सेंटी का मतलब 10^-2, नैनो का मतलब 10^-9, मिली का मतलब 10^-3 और माइक्रो क्या था, 10^-6, क्लियर ये वाला रूल। ओके, नेक्स्ट, फॉर द यूनिट विच इज रेज टू द पावर, बहुत सारा आएगा, विदाउट ब्रैकेट इज कंसिडर एज ए कंपाउंड यूनिट, मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 10^-2 m² ऐसे लिख रहे हैं आप, सेंटीमीटर स्क्वायर, अब सेंटीमीटर का मतलब 10^-2 m होता है, बस समझ में आ रहा है, तो ये हो गया 10^-4 m², है ना, राइट, ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक सेंटीमीटर में होता है 10^-2 और मीटर, सेंटी का मतलब तो, सी का मतलब तो लिख दिया 10^-2, ये मतलब इस बात का, और मीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, ये नहीं, सेंटीमीटर पूरा एक बना है यूनिट, ध्यान दीजिएगा आप, चाहे प्रीफिक्स था वो सी, तो ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, तो
तो ये इसको सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सीएम का स्क्वायर है। तो सीएम क्या है, 10^-2 मीटर, तो 10^-4 मीटर। ये बात समझ में आई, क्लियर? ओके। प्रीफिक्स सिंबल इज रिटन वेरी क्लोज टू द यूनिट सिंबल विदाउट स्पेसिंग, वेल यूनिट सिंबल आर रिटन विथ स्पेसिंग विद द यूनिट। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि प्रीफिक्स सिंबल को बिल्कुल पास में रखते हैं, क्लोज में, लेकिन यूनिट जो सिंबल है उसको यूनिट के साथ में, स्पेस के साथ में लिखा जाता है। बात को समझना, देखिए 1 मिली सेकेंड है ना, फिजिकल मीनिंग क्या है, 1 मिली सेकेंड। अब ये सिंबल के साथ में लिख रहे, तो ये जे जूल का सिंबल है, ये सेकेंड है, तो इनको थोड़ा स्पेस के साथ में लिखा है। इसका मतलब होता है जूल स्पेस दिया है सेकेंड, सीएम सेंटीमीटर। अब ये कैपिटल सी और फिर स्पेस दिया है, फिर मीटर लिखा है, ये कैपिटल सी सिंबल है कूलाम का, इसका मतलब है कूलाम मीटर। यानी यूनिट और सिंबल के बीच में आपको स्पेस देना है, ध्यान दीजिएगा, किसी साइंटिस्ट के नाम से आता है तो। और बाकी आप जानते हैं, बिना स्पेस के लिखना है, क्लोज टू द यूनिट लिखना है प्रीफिक्स को, राइट? अब प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, कि जो हम जानते हैं सिंपली ऐसा यूनिट, उनके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, दे आर नॉन एज द प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे कुछ हम यहाँ बता रहे हैं, कई बार काम में आ जाती हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मास के लिए 1 क्विंटल यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है 100 kg। 1 मीट्रिक टन, ये कई बार फिजिक्स में न्यूमेरिकल में देखने में आया है, इसका मतलब होता है 10^3 kg। ये सब मास की दूसरी यूनिट है जो प्रैक्टिकल यूनिट है। 1 डाल्टन का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब होता है 1.67 × 10^-27 kg। 1 स्लेग 14.59 kg होता है। 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट है ना, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के लिए काम में आते हैं मासेस। 1.4 ms होता है 1 चंद्रशेखर लिमिट में। ms का मतलब है सन का मास, जो है 2.8 × 10^30 kg। 1 कैरेट, ये आपने देखा होगा, गोल्ड के केस में अपन बात करते हैं, डायमंड के केस में कहते हैं 0.2 ग्राम। 1 पाउंड 453.6 ग्राम। आप ऊन वगैरह खरीदें कभी तो वो पौंड में गिनी जाती है, नापी जाती है, 1 पौंड में 453.6 ग्राम होता है। ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है ना। लेंथ की 1 फर्मी × 10^-15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट × 10^-13 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम × 10^-10 मीटर लेंथ की यूनिट। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट 0.3048 मीटर। 1 यार्ड 0.9144 मीटर। 1 माइल आप अपने साथ में रखिएगा, नोट करके रखिएगा, वीडियो को पॉज करके, इम्पोर्टेंट है, अचानक से काम में आ जाती है। 1 माइल 1.609 किलोमीटर, यानी 1609 मीटर। 1 नॉटिकल माइल, समुद्र में जो जहाज वगैरह ट्रेवल करते हैं वो नॉटिकल माइल के अंदर डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। 1 एन माइल 1852 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10^11 मीटर, A.U. से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 1 लाइट ईयर 9.46 × 10^15 मीटर। 1 परसेक, कई बार कंपटीशन में इसको पूछा गया है लाइट ईयर और परसेक को, 3.26 लाइट ईयर। ओके, टाइम की बात करें, 1 sec × 10^-8 सेकेंड। 1 सोलर डे 86400 सेकेंड। 1 ईयर 365 1/4 मीन सोलर डे के बराबर। 1 ईयर में 366 1/4 मीन्स सिड्रल डे के बराबर होता है। 1 ल्यूनर मंथ, चंद्रमा पर जो होता है मंथ उसको ल्यूनर मंथ कहते हैं, 27.3 सोलर डे के बराबर होता है। फाइन, तो ये कुछ थी जिनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम की। क्लियर है ये वाली बात? अब अभी हम जब बात कर रहे थे प्रैक्टिकल यूनिट की, तो कुछ अजीब से नाम भी आए थे, तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछ लिए जाते हैं आपसे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन, सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फाइन, 1 लाइट ईयर, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। फाइन,
कहीं पर आया था एक सोलर डे, इसका मतलब होता है टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इट रीचेज इन द स्काई ईच डे। आज सूरज निकला, कल सूरज निकलेगा, उसके बीच का जो टाइम हुआ वो सोलर डे कहलाता है ना। जनरली हम 24 आवर्स कहते हैं इस बात को। एवरेज ऑफ ऑल द सोलर डेज इन ए ईयर, एक साल में जितना भी एवरेज आ जाएगा इस टाइम का वो मीन सोलर डे कहलाता है। फाइन, सिडरल डे एक जगह आया था नाम, इसका मतलब होता है टाइम इंटरवल व्हेन सन इज रिप्लेस्ड बाय स्टार। अभी सन हमारे यहाँ तो सोलर सिस्टम से ही होती है दिन रात, ऐस यही बात हम किसी स्टार के लिए करें तो सिडरल डे कहलाता है वो। मीन सोलर डे इज अबाउट 4 मिनट लॉन्गर होता है मीन सिडरल डे से। राइट, इंफॉर्मेशन के लिए परसेक, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि परसेक क्या होता है, ये भी एक डिस्टेंस है, देखने में तो ऐसा लगता है टाइम की यूनिट है सेकेंड, इसलिए बार बार पूछते हैं इसको। ये होता है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर कहीं पर 1 सेकेंड का एंगल बना रही है तो वो जो डिस्टेंस है वो परसेक कहलाती है। द डिस्टेंस एट विच वन ए यू का मतलब अर्थ और सन के बीच का ये डिस्टेंस। मान लो कोई स्टार है आपका दूर कहीं, वहां पर 1 आर्क सेकेंड कह दिया, 1 सेकेंड। देखिए जो बच्चे नए हैं उनकी जानकारी के लिए सेकेंड और मिनट टाइम की यूनिट होती है, लेकिन ये अडॉप्ट की गई हैं एंगल के लिए भी छोटी यूनिट के रूप में, सेकेंड और मिनट ही कहते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट के बराबर पार्ट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट के बराबर छोटे छोटे एंगल के पार्ट होते हैं, और हर एक मिनट जो एंगल का है वो 60 सेकेंड एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 1 आर्क सेकेंड है बेसिकली, है ना, ये भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ भी बनाता है, जितने डिस्टेंस में बनाता है वो क्या कहलाता है, परसेक कहलाता है। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन JEE 2023 का, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट है आपके सामने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, परसेक PC एंड लाइट ईयर आर यूनिट फॉर मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सेकेंड स्टेटमेंट, AU लेसर देन PC लेसर देन लाइट ईयर। फाइन, ओके, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कुछ ऑप्शंस है आपके सामने कि बॉथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, या फर्स्ट करेक्ट है सेकेंड इनकरेक्ट, या फर्स्ट और सेकेंड दोनों इनकरेक्ट है, या फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकेंड करेक्ट है, चार में से। देखिए हमने क्या देखा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU 1.5 × 10^11 मीटर के बराबर, लाइट ईयर एक साल में लाइट जो ट्रेवल करती है ना, एक साल में जितने सेकंड होते हैं उनको लाइट की स्पीड 3 × 10^8 से मल्टीप्लाई करें, 9.46 × 10^15 मीटर आ जाता है। पर सेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। राइट, ओके, तो हम यहाँ पर बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से क्या लाइट ईयर बड़ा है, यस बड़ा है, और एक परसेक में वो इतने सारे लाइट ईयर होते हैं, तो इसका मतलब परसेक सबसे बड़ा हो गया, लाइट ईयर उससे छोटा और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उससे छोटी है। JEE 2023 में ही पूछा गया इस क्वेश्चन को। फाइन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्या सेकेंड हो गया, कि फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है राइट, लेकिन सेकेंड तो इनकरेक्ट है, क्योंकि राइट आंसर तो क्या होगा कि PC सबसे बड़ा होगा। क्लियर है ना? राइट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर लेते हैं, जैसे खेत का एरिया वगैरह, बर्न 10^-28 मीटर स्क्वायर, फॉर स्पेसिफाइंग द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको काम में लेते हैं। फाइन, हेक्टेयर खेत की जो मैं बात कर रहा था, हेक्टेयर में नापते हैं, 10^4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एकड़ में नापते हैं, खेत का एरिया 4840 यार्ड की स्क्वायर के बराबर होता है। मेजरिंग द लैंड एरिया के लिए इनको काम में लेते हैं। क्लियर है ना? ओके, वॉल्यूम की बात करें, है ना, जैसे आपका पर्टिकुलर पेट्रोल है डीजल है उनका मेजरमेंट करते हैं, 1 लीटर 10 100 1000 ml और 1 ml सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है।
सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करें तो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो लीटर प्रैक्टिकल यूनिट है वॉल्यूम का, है ना, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द डेली नीड लाइक द मिल्क, है ना। ओके, गैलन, फॉरेन में गैलन में नापते हैं, है ना, यूरोप में जैसे गैलन के अंदर नापते हैं, 4.546 लीटर एक गैलन में होता है, मेजरिंग द पेट्रोल एंड द डीजल यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, है ना। तो एक पेट्रोल पंप का ये फोटो है यूरोप में। बैरल 42 गैलन के बराबर होता है। फॉर मेजरिंग द क्रूड ऑयल को नापने के लिए बैरल को, यूनिट को यूज करते हैं। प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज फिक्स्ड वर्ल्ड वाइड। जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको कहते हैं, उसका प्राइस तो पूरे वर्ल्ड में एक ही रहता है, बाकी फिर इनको रिफाइन करते हैं और कंट्री वाइज इनके प्राइजेस, स्टेट वाइज, बाकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, टैक्सेस लगा के वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड आपकी जानकारी के लिए कच्चे तेल की कीमत फिक्स रहती है। फाइन, नेक्स्ट ड्राइव यूनिट है प्रेशर। इसकी भी बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट बीच में हमने बताया था, पास्कल हम डिस्कस करेंगे। पी कैपिटल और ए छोटा, ये पास्कल के लिए आता है। इसका मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, SI में कन्वर्ट करें तो, है ना। बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 ATM का मतलब एटमॉस्फेयर से है। 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, या 76 cm ऑफ Hg, और पास्कल में यूज करें जो कि SI न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो ये होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर, है ना। वैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स तो आपको कांस्टेंट की एग्जाम में, स्टैंडर्ड एग्जाम में दी जाती है, फिर भी हम ये चाहेंगे, एडवाइज करेंगे कि आप याद रखें कुछ ये वैल्यूज जो कि हमारे अचानक से न्यूमेरिकल में काम में आ जाती है। मेट्रियोलॉजी में ये काम में आती है ना। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है कि आपका वायुमंडल से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी साइंस होती है। फ्लूइड डायनेमिक्स एक चैप्टर आएगा आपके 11th में, वहाँ भी काम में आएगी। 1 TOR यानी 1 mm ऑफ Hg, 133.3 पास्कल के बराबर। मेडिशंस में इस टॉर को यूज किया करते हैं। ओके, नाउ कम टू द स्पीड। 1 किलोमीटर पर आवर, आपने देखा होगा व्हीकल्स में किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर, और 1 मीटर पर सेकंड 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। आप इसको अपने एक्सरसाइज के रूप में लें और पॉज करके कन्वर्ट करके देखें इसको, क्या ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, है ना। 1 माइल पर आवर 1.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर। दोनों को व्हीकल की स्पीड के रूप में काम में लेते हैं, माइल पर आवर यूरोपियन कंट्रीज में, किलोमीटर पर आवर हमारे यहाँ काम में लेते हैं, है ना। एक्सेलरेशन गैलीलियो GL 1 cm/s² के बराबर होता है, यूज एक्सटेंसिवली इन द साइंस ऑफ द ग्रेविमेट्री में यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल, ऐसा 0.020 mph, दैट ऑफ द लेपर्ड हो कि 70 mph। कन्वर्ट दिस स्पीड्स इन SI यूनिट। SI वर्मा से इस क्वेश्चन को हमने लिया है, 1.9 नंबर पर है ये क्वेश्चन, आप रेफर कर सकते हैं। स्नेल 0.02 mph, ठीक है, ओके। और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर के करीब था, तो ये किलोमीटर को 1000 कह दिया, 1 आवर में 3600 सेकेंड, राइट। इसको काट के पॉज करके देखो क्या इतना मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ओके, लेपर्ड की बात करें, 70 mph, पॉज करके फिर से चेंज करके देखो क्या 31.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज द एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 m/s², फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। SI वर्मा का ये क्वेश्चन है, 1.8, आप रेफर कर सकते हैं। जी 10 m/s², इसको सेंटीमीटर पर मीटर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है, तो मीटर में 100 cm हो गया, सेकेंड को मिनट में चेंज करें तो 1/60 मिनट हो गया, ठीक है, स्क्वायर। ओके, ये 60 का स्क्वायर ऊपर आ गया है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर।
इसको सॉल्व करके देखो, पॉज करके खुद से कॉपी में, क्या इतना आ रहा है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 dyne पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इन टू एस आई यूनिट। ये भी एस सी वी का क्वेश्चन है 1.13। 72 dyne पर सेंटीमीटर, डाइन है ना, फोर्स का सी जी एस यूनिट है ये। 1 न्यूटन में टाइम्स पर 5 dyne, इसका मतलब 1 dyne में टाइम्स पर -5 न्यूटन हो गया। 1 मीटर में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और टाइम्स पर -2 मीटर, इसको कट करेंगे तो 10^-3 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, जो कि ऐसा यूनिट आ गई है। क्लियर है? ये सरफेस टेंशन क्या होता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, 11th में ये टॉपिक आएगा, सेकेंड एनसीईआरटी आपकी। एक्सप्रेस द पावर 100 वॉट बल्ब इन सी जी एस यूनिट, एस सी वी का एक क्वेश्चन है 1.11। पावर 100 वॉट, वॉट का मतलब वर्क ओवर टाइम, जूल पर सेकेंड, जूल ऐसा यूनिट है ना, इसलिए 1 जूल में 10^7 आर्ग, क्योंकि सी जी एस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 10^9 आर्ग पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ ए मर्करी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन ए कैलकाटा लेबोरेटरी वॉज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द प्रेशर इन एस आई एन सी जी एस यूनिट। कुछ डाटाज आपको गिवन है जो कि आपको यूज करने हैं। मर्करी का डेंसिटी 13.6 सी जी एस सिस्टम में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ वाटर 10^3 के जी पर मीटर क्यूब और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। प्रेशर एच डी जी यूजल सिंपल हैं एच डी जी में, एच हाइट है, डी डेंसिटी, जी एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है फिजिक्स आपका, है ना। ये भी एस सी वी का एक क्वेश्चन है 1.10, राइट। ओके, अब आपको चेंज करना है एस आई ओ सी जी, पहले एस आई में कर रहे हैं। प्रेशर को एच डी जी में नापते हैं, ये गेज प्रेशर कहलाता है पूरा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, है ना। आगे आप चैप्टर आएगा बकायदा, जैसे अभी हमने कहा 11th में ही सेकेंड एनसीईआरटी में आएगा, सेकेंड चैप्टर आपका ये। एच का मतलब हाइट हो गया 75 सेंटीमीटर, तो मीटर में हो गया 0.75। डी डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 10^3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एसआई में कन्वर्ट हो जाता है। जी 9.8 है आपका, राइट। इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आ रहा है, क्या अप्रॉक्सीमेटली इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 10 × 10^4, ये दो लहर जैसा साइन वेव जैसा बनाया है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो ये एसआई में हो गया। अब हमें सी जी एस में और कन्वर्ट करना है, राइट, एच डी जी। सी जी एस में तो यही 75 सेंटीमीटर है आपका, है ना। इसको आप जैसे मीटर था तो 10 स्क्वायर कर दिया, आप 75 भी लिख सकते थे मिला के, राइट। और ये सी जी एस में ही है बेसिकली, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी का वैल्यू देता है सी जी एस में 13.6। ओके, और 980 dyne per cm² जी की वैल्यू है सी जी एस में 980। मल्टीप्लाई कीजिए करके देखो, पॉज करके देखो, कॉन्फिडेंस आएगा कॉपी में। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 × approximately 10 × 10^5 dyne per cm². क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन द इंडियन कॉलेज इज 100 मिनट्स, एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1 माइक्रो सेंचुरी मतलब 10^-6 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। एस सी वी का क्वेश्चन है 1.12 नंबर। ओके, 1 माइक्रो सेंचुरी मतलब 10^-6 × 100 ईयर, राइट। ईयर में 365 डेज, हर डे में 24 आवर्स और हर आवर में 60 मिनट। क्लियर है? ओके, तो 1 मिनट में कितनी माइक्रो सेंचुरी हुई ये डिवाइड कर दिया हमने। क्लियर है? तो 100 मिनट में कितनी माइक्रो सेंचुरी होगी भाई, 100 मिनट को चेंज करना है ना अपने को, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करके देखो, पॉज करके देखो क्या 1.9 आ रहा है, करके देखोगे, पेन चलाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, गाइड हम कर रहे हैं आप। क्लियर? ओके, तो कितना हो गया आंसर, 1.9 माइक्रो सेंचुरी। हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरी डिड यू स्लिप यस्टरडे, लेट
अपने मान लें कि अपना नॉर्मल स्लीपिंग आवर है 8 आवर, 8 घंटे के लिए सोते हैं। अरे तो 8 आवर्स, अभी ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट इतनी माइक्रो सेंचुरी के बराबर है। तो 8 आवर्स की बात करें, 8 का 8 है और 1 आवर में कितने मिनट हो गए, 60। तो 8 × 60 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, राइट। ये डिवाइड करके देखो क्या 9.1 माइक्रो सेंचुरी आ रहा है, करके देखेंगे। अब एक्सरसाइज है आपके लिए, हाउ मेनी लाइट ईयर आर इन 1 मीटर। लाइट ईयर भी हमने डिस्कस किया, रेफर कीजिएगा दोबारा से, दोबारा देखिएगा वीडियो को। 1 मीटर में आके आंसर आपका आना चाहिए, 1 मीटर में इतने लाइट ईयर। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड वे 1 kg, यानी 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर ये है, इनका मतलब नंबर है, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, कन्वर्ट 1 लाइट ईयर इन गीगा मीटर। ठीक है, ये गीगा हमने बताया था, रेफर कीजिएगा कि 1 लाइट ईयर को किस में चेंज करना है, गीगा मीटर में। आंसर हमने दे दिया है, दिस इज फॉर यू, फाइन। अब यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम के क्या टूल्स होते हैं, कैसे हम इनका मेजरमेंट करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं अपन, फाइन। तो हमारे साथ बने रहिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।